लिप जॉब करती हूँ, लिप फिलर, तो तुझे कैसे लगेगा? वेल, अगर अच्छा रहा मैं तेरे साथ रहूंगा, अगर नहीं अच्छा रहा। कितना झूठ, कैसे है ही नहीं, एकदम झूठा। जोकिंग, ना, यू नो व्हाट, अच्छा ही होगा। To be fair, Anita already looks perfect, but and I'm not just saying it because we're recording. But baby, if please she wants AC it, करो on. सच बोल रही हूँ, यहाँ के लोगों को AC मतलब fuck, मुझे इतना गर्म होता है ना यहाँ पे, इतना गर्म, सच में ये कैसे जिंदा है यहाँ पे? So yeah, so what we're gonna be doing is we're gonna go and get her lip job done, and I'm a little bit nervous and I'm having anxiety panic attacks for her, but मुझे लग रहा है कि अच्छा होगा, and बाकी जा रहे हो? मैं ऐसे रेडी हुआ हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मैं नीता का डॉक्टर हूँ आज इसके लिए मैंने कितनी उधर बातें की, एंड मैं सच में I'm a little bit nervous and I'm excited क्योंकि मुझे लग रहा है वो इसके लिप्स बहुत अच्छे करेंगे। We're gonna do 0.5 ml on the lips. And Nita, are you nervous? No. Nita, this is a before shot of your lips. I can see the stress in her eyes and in her face. So guys, please don't judge me. You're okay. Maybe. I will explain to you guys. So basically, अभी इसके लिप्स थोड़े स्वेल हो गए, बिकॉज ऑब्वियसली अभी तो लिप जब अभी तो करवाया, सो ऑब्वियसली फर्स्ट 4-5 डेज इट विल बी, बट यू नो व्हाट, आई एम हैप्पी एंड माय बबलू इज हैप्पी, या और मैं सच बोलूं मुझे ये बचपन से करना था, क्योंकि मुझे ऐसे हमेशा लगता था ऑब्वियसली अगर आपके फेस पे 20 टाइम्स कोई ऐसे इंजेक्शन करेगा लिप्स में तो ऑब्वियसली वो स्वेलिंग होगा, बट आई एम सो लकी कि मेरा फेस पे फिर भी ये आफ्टर स्वेलिंग भी अच्छा लग रहा है। 100% मैं सच बोलूं, एनीवन आई नो हु इज हैड अ लिप जॉब या किसी ने भी करवाया, फर्स्ट 5-6 डेज वो अपना चेहरा दिखाते ही नहीं है क्योंकि वो इतने बड़े लिप्स एंड इतना स्वेलिंग हो जाता है। एंड हाँ, एक बात है कि ये जो नीचे वाला लिप्स है वो मेरा ओरिजिनल ही है, एंड मेरा ये जो ऊपर का है वो भी लाइक ओरिजिनल, लाइक हम लोगों ने 0.5 मतलब एकदम माइनर किया है। अभी स्वेलिंग की बात पर अगर आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखोगे, मैं हर ब्लॉग में बताऊंगी, इवन चिन्ना के भी, मेरे भी मैं बताती ही हूँ, सो वो चीज है। तो ये बताना चाहती हूँ कि ये हम लोगों ने किसी को ऐसे लाइक अप्रोचिंग या ऐसे करने के लिए नहीं किया, ये तो सिर्फ मेरी एक ख्वाहिश थी, एंड मैंने मेरे फैमिली को पूछा एंड चिन्ना को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने किया। बट एनीवेज हमें यहाँ पे ज्यादा बातें नहीं करनी है। सो बिफोर वी फिनिश दिस व्लॉग, कुछ ना कुछ हमें क्वेश्चंस या कुछ ना कुछ हमेशा बताना होता है या कुछ ना कुछ होता है, सो टुडे आई विल आस्क, नो, नीता विल से समथिंग इन मराठी, आई हैव टू गेस व्हाट शी सेज, फिर मैं कुछ पंजाबी में बोलूंगा एंड शी हैज टू गेस व्हाट आई सेड। गो ऑन देन, से समथिंग। तुला मी किती वेळा सांगितलंय मला तू नाही आवडत, तरी तुला समजत नाही का? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि बट तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आता है। इसने ना सिर्फ इजी वाला बताया, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी मैंने बोला कि तुझे मैंने कितनी बार बोला है मुझे तो नहीं पसंद है, फिर भी तू वही बोलता है। मैं वो बात समझ गया था, बट मैं वो बोलना नहीं चाहता था। आउड़ा, इसको ना, क्योंकि ये मुझे सुनता है फोन पे मैं क्या क्या बातें करती हूँ, तो वो वही बात बोला। ओके चल, लिसन, आई गेस्ट इट परफेक्टली, एंड मैं इसके सामने बहुत ज्यादा मराठी फिर भी बोलती हूँ क्योंकि मेरे फैमिली के साथ मैं फोन पे बातें करती हूँ वो चीज की वजह से, बट इसका पंजाबी थोड़ा नहीं, इसको पहले ही पता है, ये सिर्फ तू मुझसे वाला ही सुनता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। चिन्ना, डोंट लाइ, अभी ये टास्क हारने वाली है, इसने पहले ही अपना, क्योंकि मैंने गेस कर लिया इसने क्या बोला, नहीं। अभी उसको ये भी पता है मैं कुछ बोलूंगा, okay, इसको नहीं समझ में आएगा। सो मैं अभी कुछ बोलूंगा और तू मुझे बता इसका मीनिंग क्या है। ओके, टोचना दा जट भी शकीन मुड तो जे तू अड़िया करेंगी नहीं मैं ले जू खिंच के। जट को भी ज्यादा, मुझे भी ऐसे कुछ ज्यादा शौक है, अगर तू ना करेगी तो भी मैं तुझे खींच के लेके जाऊंगा। वेरी क्लोज एक्चुअली, यू नो, गुड गेस, अच्छा था, मैंने इसको पहले बताया था इसका मीनिंग। देखा ये ऐसे एकदम एकदम
चिड़का है ये ना, हमेशा मैं कुछ भी अच्छे से गेस करूँ ना, ये हमेशा मैं भी ना, I'm joking, I'm joking. इसने अच्छे तरीके से गेस किया. हम ये एक्चुअली प्रॉपरली एक दिन करेंगे. मैं अभी यही बोलने वाली थी, ये तो जस्ट हम लोगों ने छोटा किया. ये व्लॉग तो ऐसे लाइक ऐसा ही था कि हम लोग, मैंने मेरे चैनल पे भी किया, यहाँ पे भी किया, इसलिए क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि साथ में रहते हैं और फिर सब चीजें हमारी आपको पसंद मतलब पता होनी चाहिए, इस वजह से ताकि आप ऐसे कमेंट्स में ना बोलो कि नीता ऐसी क्यों लग रही है या जो भी है. एक्चुअली आई रियली लाइक हर लिप जॉब एंड आई बी ऑनेस्ट विद यू, नेक्स्ट 4-5 डेज मुझे लग रहा है इसको कोई दिखाना चाहिए लाइक द प्रोसेस. हम लोग पूरा प्रोसेस तुम भी बता देना एंड मैं भी बता दूंगी. और थैंक यू बेबी गर्ल. थैंक यू बेबी, आई लव यू एंड यू लुक ब्यूटीफुल लाइक दिस एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट 4-5 डेज यू विल लव योर लिप्स इवन मोर. एंड और इसी खुशी में हम अभी डेट पे जाने वाले हैं. सो आई होप यू गाइस एंज�ॉयड टुडेज वीडियो. आज नीता बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसका लिप जॉब बहुत अच्छा हुआ. एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, इट्स नॉट इवन फॉर प्रमोटिंग और सेइंग दैट यू शुड गेट योर लिप्स डन और एनीथिंग. ये तो सिर्फ इतना था कि उसको करवाना था. एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर नीता फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि वो मेरे साथ गई एंड वो अभी इतनी खुश है. एंड मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी सो कल रात से, सो मैं अभी घर पे आया हूँ जस्ट टू रेस्ट अप एंड स्टफ. एंड थैंक यू फॉर ऑल द काइंड कमेंट्स ऑल द टाइम. मैं हमेशा पढ़ता हूँ एंड आई एम ऑलवेज लुकिंग एट डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज. एंड आई प्रॉमिस यू वेरी सून हम प्रैंक भी करेंगे एंड सरप्राइज भी करेंगे नीता को उसको उसके जाने से पहले, बिफोर शी गोज टू मुंबई. एंड सो मेक श्योर यू कीप वॉचिंग. थैंक यू.